किसी एक ग्रुप के अंदर आप लोगों को ये कहा था कि हमारे कबूतर के पैर में पॉक्स हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका ट्रीटमेंट के बारे में पता है तो जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि हल्दी और उसके साथ उसके लहसुन एक पेस्ट बना के इनके पैर में लगा दीजिए। फाइनली मैं लगा दिया, आज 2-3 दिन हुआ है, इनको ना आराम भी मिल रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को पास जाके दिखा देता हूँ, ठीक है? वो है दोस्तों इन्फेक्शन। डरो मत यार, इतना डर रहे, देखिए। तो धीरे धीरे दोस्तों हमारे कबूतर ना ठीक हो रहे हैं, सो मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी हमारा सभी कबूतर दोस्तों आराम से सो रहा था, तो मैं यहाँ पर आके इनको डिस्टर्ब कर दीजिए और चलिए यहाँ से भागते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो परसों का जो हालत था ना दोस्तों, आज भी सेम हालत है। मतलब मौसम को देखिए, हल्का मतलब बारिश हो रहा है मेरा यहाँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे डक्स को रिलीज करना होगा, तो पहले इनको रिलीज करना है। रीजन ये है कि दोस्तों ये लोग ना अच्छे है, बड़े की वजह से फिर नहीं खा पाती है। नीचे उतरो, जल्दी आ जाओ। देखिए मजे के साथ सभी खा रहे। आ जाओ। हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डग्स है इनको रिलीज करना है, ठीक है? आ जाओ। इसके अंदर से और एक निकलेगा। आ जाओ। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, लड़े मत करो यार, काफी बदमाश है। चलो खाना खा लो। जाओ। इन सभी डक्स ने खा लिया। ऑक्टोपस तो हमारा जो बड़े बड़े डक्स ना, मस्कुबी डक, उसके बाद कोसर गीस एंड पेकिंग डक, सभी को रिलीज करते हैं। आ जाओ। निकलो। चलो निकलो यार। आ जाओ। हेलो, खाना खा लो। हाँ। सभी दोस्तों तालाब में जा रहे हैं, वो देखिए। हाँ। हमारा मीठू के साथ मिलने के लिए दो पैरट आते हैं, ठीक है? रोज आते हैं और हमारा वो वाला पेड़ में ना बैठ जाते हैं, तो वहां जाके दिखाते हैं कि वो लोग कहाँ है अभी, ठीक है? मीठू दोस्तों कहाँ है, देखिए। मीठू आ जाओ। हाथ में आ जाओ। कम। आ जाओ। कम ऑन। अरे आ गए है, देखिए। मीठू हमारा थोड़ा कुछ डग्स दोस्तों खाना खाने के बाद तालाब में आके स्विमिंग कर रहे हैं। तो परसों में दोस्तों एक ब्लॉग अपलोड किया था, मैं भी 6 बजे के आसपास, ठीक है? तो अपलोड करने के थोड़ा देर बाद मुझे पता चला कि दोस्तों ब्लॉग में ना 2 बार इंट्रो लग गया गलती से, तो मैं कट करने की कोशिश की। तो कट करने के बाद दोस्तों ब्लॉग जो है ना 6 सेकंड का रह गया, तो 6 सेकंड का तो ब्लॉग नहीं होगा, है ना? इसलिए मैं दोस्तों उस ब्लॉग को यूट्यूब से हटा दिया, मतलब डिलीट कर दिया। तो आज मैं हमारा दूसरा चैनल सीधा रश्मि पर अपलोड कर रहा हूँ, देख सकते हैं अपलोड हो रहे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों उस ब्लॉग को आप लोग जरूर देखें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चैनल का लिंक भी है और ब्लॉग का भी लिंक है, देख लीजिए, ठीक है? तो अभी मैं दोस्तों जा रहा हूँ मेरा फूफू के घर, क्योंकि हमारा जो गिनी फॉल ने अंडे दी थी, सभी अंडे को दोस्तों मेरा फूफू की मुर्गी है उस मुर्गी के नीचे दे दिया। वो अंडे को हैचिंग कर रही है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा तो कितने अंडे दिया और कितना दिन हुआ, ठीक है? तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। आप सभी लोग दोस्तों इस ब्लॉग के साथ बने रहे, तो इस रास्ते से जाना होगा, ठीक है? जो मैं पैरट की बात कर रहा था वो दोस्तों वहां पर है, जूम करके भी नहीं दिखा सकता हूँ। 2 आते हैं, रोज आते हैं, 2 टाइम्स आते हैं, सुबह और शाम होने से पहले, ठीक है? उनको देख के हमारा जो मीठू है ना काफी चिल्लाते हैं। चलिए जल्दी से जाते हैं। मेरा फूफू की घर दोस्तों हमारे घर के आसपास ही है, ठीक है? तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जाने में। यहाँ अंडे देने का जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारे घर में कोई मुर्गी नहीं है, सो अंडे को हैचिंग करने के लिए इनक्यूबेटर दोस्तों ठीक नहीं है, मतलब खराब हो गया है, सो यहाँ के दे दिया था हैचिंग के लिए, ठीक है? तो फाइनली मैं आ चुका हूँ। ये है दोस्तों अंडे, एक्चुअली मुर्गी ना भाग गया क्योंकि वो काफी डर गई है। तो अंडे को कैंडलिंग करके देखना होगा सभी के अंदर एप्रोय बनी है या नहीं, चेक करते हैं। टोटल यहाँ पर दोस्तों 5, 10, 13 अंडे है। नीचे रखो, नीचे मोबाइल को नीचे रखो। हाँ यार, बच्चे है,
दिख रहे ना, वाओ तेरे अंडे में से दोस्तों दो अंडे खराब निकला, ये दो अंडे इनफर्टाइल है तो अलग कर दिया, अब ये मुर्गी को देना होगा। मैं दोस्तों कैंडलिंग करके चला आया, मुर्गी को नहीं दिखा पाया क्योंकि मुर्गी ना भाग गया यार, वो काफी डर गया है, सो कहाँ गया पता नहीं। अभी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, रास्ते दोस्तों बहुत ही खराब है, सही बताओ लोगों को। A few moments later. हमारा गोस और गीस के साथ मिलने के लिए दोस्तों और थोड़ा कुछ डक्स आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखिए यहाँ पर है, एक दो तीन चार पाँच छह आया है, और ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हफ्ते में दोस्तों दो बार आ ही जाते हैं ये लोग, चलो चलो अपने घर चलो। हमारा बकरी को दोस्तों आज फार्म से नहीं निकाला क्योंकि परसों ना हमारा बकरी के साथ दोस्तों काफी अन्याय हुआ, हमने दोस्तों बकरी को चढ़ाने के लिए खेत में दिया था तो किसी भी तरह छूट के दोस्तों वो ना दूसरे का खेत में गया था और खेत के मालिक ने दोस्तों हमारा उस बकरी को काफी पिटाई की मारा, तो मैं बहुत ही टेंशन में हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, 3-4 महीने की होगी, ठीक है, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि खेत के मालिक ने काफी बुरी तरीके से मारा। इतना निर्दय लोग भी होते हैं दोस्तों इस दुनिया में, इस वजह से मैं सभी बकरी को आज रिलीज नहीं किया। हमारा कबूतर दोस्तों बारिश का पानी पी रहे, वो देखिए सुबह से आज भी हल्का पतला बारिश हो रहा है मेरा यहाँ पर, देखिए दोस्तों सभी हमारे घर में आ गए यार, चलो 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 हमारा घर में दोस्तों सभी झगड़ा कर रहे, देखिए क्या यार काफी हल्ला मचा दिया। अभी दोस्तों मुझे समझ में आया कि हमारे घर में जैसे भी ये डक्स है ना सभी के सभी दोस्तों फीमेल है, ये देखिए ये ना मेल है और कितना बड़ा है यार, देख सकते हैं आप लोग सबसे ज्यादा बड़ा ये है, देख रहे ना, और ये काफी अलग आवाज निकालते हैं, और हमारा जो फीमेल है ये जो आवाज है ना ये फीमेल की है, और ये जब चिल्लाते हैं दोस्तों पूरे मोहल्ला जानते हैं। ओए होए होए मुझे ना मेल लाना होगा, मेल दोस्तों हमारे घर से ना नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पर इनको 4 फीमेल मिली है। अरे नहीं 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 चला भाई मत उतरो, अलग हो जाओ अलग हो जाओ यार, हमारा फ्लोर देखो देखिए फाउंटेन का गंदा पानी पी रहे, नहीं 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 यार भागो यहाँ से फ्लोर यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये अच्छा नहीं है क्या यार, इतना बदमाश है कि क्या ही बताऊं लोगों को, यहाँ पर वो अच्छा पानी नहीं है तुम्हारे लिए। अभी दोस्तों हमारा सभी फिशेस को ना फीड खिलाना होगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए परसों मैं इनको खाने के लिए कटल फिश बोन दिया था, जो ना तो खाया है आधा खा लिया ऑलरेडी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये देखिए देख रहे ना, लेकिन दोस्तों ये लोग ना अभी तक कटल फिश बोन को टच ही नहीं किया है, पता नहीं क्या रीजन है, मुझे लगता है कि ये लोग ना कभी भी कटल फिश बोन को देखा ही नहीं है, देखिए टच ही नहीं किया है, और इसके अंदर दोस्तों बजेस है, निकलो निकलो निकलो, दो गया था अभी तो एक दिख रहा है, तो बहुत जल्दी अंडे देगी, और मैं दोस्तों बहुत जल्दी इनकी लेना बहुत सारे मटकी भी लाऊंगा, जिसके ये बच्चे दोस्तों बहुत ही वीक था, अब देखिए ठीक हो गई है, काटो मत यार प्यारे बच्चे, जाओ 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 इसके अंदर जाओ, गुड। बाय द वे इन सभी फिशेस को फीड खिलाते, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यार, देखिए इस बैग के अंदर है, नहीं 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 निकलो निकलो निकलो, यहाँ पर छुपा हुआ है, परसों में जो नया कबूतर लाया वो लोग दोस्तों यहाँ पर है, वो देखिए दोनों दोस्तों ठीक ठाक है, अरे उड़ना भी सीख गई है, अरे देखिए पकड़ना चाहते हैं, इनको डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, आ जाओ ये काफी बदमाश हो गया है दोस्तों, चलो 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 यहाँ पर है। पहले मैं गोलू और मोलू को खिलाऊंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोनों आ जाओ, ये खाओ खा लो खा लो, दोनों दोस्तों धीरे धीरे मेरे पास आ रहे, देखिए तो इतना ही फीड दोस्तों इन दोनों के लिए काफी है, खाओ खाओ, हाँ दोनों मजे के साथ खा रहे। अब दोस्तों इनको देना है, यहाँ पर जो बेटा फिश है इनको भी देना होगा, सभी ऊपर आ जाओ, कम 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 कम, देखिए सभी ना नीचे है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फीड खाने के लिए दूंगा, कम 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 कम, अरे अरे ये खाओ, इतना ही काफी है। यहाँ पर जो हमारा गोल्ड फिश है देखिए सभी फीड के लिए इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ इतना ही काफी है। अब दोस्तों इन दोनों को खिलाते हैं, जी खाला खाओ खाओ, खाना स्टार्ट की है, ये भी दोस्तों खाने के लिए आएगा, हाँ ये भी खाना स्टार्ट की है। बाय द वे दोस्तों यही था आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद है,
पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करना एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे। बाय बाय।